आज इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक साइंस एग्जीबिशन, इसके अलावा TLM एग्जीबिशन और होम साइंस डिपार्टमेंट के कुछ जो उनके मॉडल्स थे उसकी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में थाना अध्यक्ष बोर्ड श्रीमती निशा कटाना जी हमारी चीफ गेस्ट रही और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री चंद्र विजय जी जो कि SSI बोर्ड हैं वो रहे। कॉलेज में हर साल इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं और जो एग्जीबिशन है आयोजित की जाती है, खास तौर से साइंस के मामले में, तो इस बार भी स्टूडेंट्स ने बहुत इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो लोग वो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं में, लैब्स में, और इसके अलावा जो भी काम सीखते हैं, जो चीज़ें क्लासेस में सीखते हैं, उसको अपने मॉडल के जरिए, मॉडल बनाने के बाद उसको वो सबके सामने पेश करते हैं कि हमने ये चीज़ें सीखी हैं, ये चीज़ें बनाना सीखी हैं। और जितने भी मॉडल होते हैं वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं, यानी उनसे खाली ये नहीं कि वो मॉडल बना रखा है, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में उसको वर्कआउट करके दिखाते हैं कि भाई हमने जैसे बिजली बनानी है या सोलर सिस्टम वाली चीज़ें हैं वो सारी बनाकर दिखाते हैं। इसमें खास तौर से जो आज हमारे आकर्षण रहे वो थे इम्पैक्ट कॉलेज का मॉडल, जो बहुत ही बच्चों ने खूबसूरती के साथ बनाया। उसमें सारे के सारे जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ हैं वो उसमें उन्होंने अंदर बनाई और सब शो करी। इसके अलावा प्लेनेटोरियम बच्चों ने बनाया, इसमें सारे प्लैनेट्स का और उसमें जितना भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब उसमें डिस्प्ले की गई। मुख्य अतिथि महोदया ने भी अंदर जाकर वो सारी चीज़ें देखी और बच्चों की बहुत तारीफ करी। इसके अलावा एक मॉडल COVID-19 और वैक्सीनेशन के ऊपर बनाया गया। एमल्सिफिकेशन एक मॉडल बनाया गया। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर बनाया गया और एक पॉल्यूशन मॉडल बनाया गया, जिसमें कि पॉल्यूशन किस तरह से किन किन चीज़ों से फैलता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। इसी तरह से एक न्यूरॉन मॉडल बनाया गया, ग्रीन हाउस मॉडल बनाया गया, वाटर प्योरिफिकेशन मॉडल बनाया गया, इसके साथ साथ रिकम्बिनेंट मॉडल बनाया गया, DNA टेक्नोलॉजी मॉडल बनाया गया, विंड मिल वर्किंग मॉडल बनाया गया और सीड जर्मिनेशन प्रोसेस मॉडल बनाया गया। इसी तरह से एयर पोल्यूशन और इससे बचाव, इसका पूरा एक मॉडल अलग से बनाया गया था। एक साइंस के बच्चों ने वेजिटेबल कटिंग मशीन बनाई थी, जो बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही टाइम सेविंग चीज़ है वो। इसी तरह से DNA फिंगरप्रिंटिंग का एक मॉडल बनाया गया। लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट, ये एक बहुत अच्छा बच्चों ने मॉडल बनाया था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर एक मॉडल बनाया। इसी तरह से डायलिसिस किस तरह से होता है उसकी पूरी प्रोसेस, उसका मॉडल एक बनाया गया। हार्ट का मॉडल बनाया गया कि हार्ट किस तरह से पंप करता है, किस चैम्बर में क्या चीज़ होती है और किस तरह से उसमें ब्लड जो है वो इन्फ्यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें एक मॉडल के ज़रिए बनाकर दिखाई गई। इसी तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, उसका पूरा एक मॉडल बनाकर बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती से उसे पेश किया। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक मॉडल बनाया गया। ड्रिप इरीगेशन का एक मॉडल बनाया गया, जो ड्रिप के ज़रिए हम किस तरह से खेतों में पानी लगाते हैं, जिससे कि पानी की बचत भी होती है और भारत सरकार, प्रदेश सरकार का एक ख़ास तौर से मिशन है कि ड्रिप इरीगेशन का बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह से फैक्ट्री पॉल्यूशन जो होते हैं उससे कैसे बचा जाए, उसको एक मॉडल के ज़रिए बच्चों ने पेश किया। होम साइंस के बच्चों ने कुकिंग विदाउट फायर और बहुत खूबसूरती से बनाए और तमाम बहुत सी चीज़ें उन्होंने बनाकर दिखाई, बनाकर रखी वहाँ पर। इसी तरह से बहुत से होम साइंस के स्टूडेंट्स ने बहुत से कई हेल्दी और डिलीशियस फूड्स बनाए और डिशेस बनाई। इस तरह से टोटल मिला के एक बहुत ही कामयाब प्रदर्शनी थी, बहुत ही कामयाब नुमाइश थी और इस एग्जीबिशन को सभी मेहमानों ने, मुख्य अतिथि ने और सभी लोगों ने बहुत पसंद किया और बच्चों के इनोवेटिव इस काम की सबने तारीफ करी। इम्पैक्ट कॉलेज हमेशा इस तरह के इनोवेशन की तरफ बच्चों का ध्यान दिलाता है और उनको लेकर जाता है ताकि बच्चा रियल ग्राउंड पर कुछ सीख कर निकले
और आगे अपने आने वाली लाइफ में तरक्की करे, अच्छी जॉब्स हासिल करे। थैंक यू।